शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भाभी जी, मैं डैनी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो डैनी। राजा भैया जीप लेके निकले थे, उनका उनका एक्सीडेंट हो गया है। काजल, काजल कहाँ जा रही बेटी, क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, ये पट्टी वट्टी मत लगाइए, मेरी माँ परेशान हो जाएगी। आप तो बच्चों की तरह कर रहे हैं, फिक्र मत कीजिए। अरे मैं तो नौजवान हूँ, मेरी माँ जरा छोटी सी है, जरा आराम से। अरे काजल, काजल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काजल, काजल मैं ठीक हूँ। चलो काजल, क्या हुआ था, कहाँ चली गई थी बिना बताए? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? पूछिए ना उनसे, खबर लीजिए इनकी। अब बताइए कहाँ गई थी आप, क्या हुआ था? हाँ बेटी, बेटी कुछ, अरे ये पट्टी कैसी लगी हुई है, क्या हुआ? अरे माँ अब तू शुरू हो गई। कुछ नहीं हुआ, छोटी सी खराश आई है। वो क्या है ना कि अब मैं जीप में जा रहा था। हाँ। अब मैं जा रहा था तो जा रहा था, और यूं ही जाते जाते थोड़ी सी ब्रेक फेल हो गई। क्या, तेरी चोट नहीं आई कहीं? अरे माँ कुछ नहीं हुआ, देखो ना आपके सामने खड़ा हूँ, हट्टा खट्टा वन पीस, देखो ये कान नाक आँख सब बराबर है। उसने भी मेरी बात नहीं सुनी, चली गई। तभी उस तरह भाग के चली गई थी। हाय हाय, मेरी तो जान निकल गई थी। बेचारी ने कुछ खाया पिया भी नहीं है, उसका व्रत है आज। व्रत? आज करवा चौथ है बुद्धूराम, तुझे नहीं पता? तुम औरतों का भी अजीब है, अच्छे भले आदमी को देवता बना देती हो। देखा काजल, मैंने आज तुम्हें पाई लिया। हाँ राजू। क्या कहा? राजू एक बार फिर से कहो, मुझे आज तक किसी ने इस नाम से नहीं पुकारा। राजू 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 राजू। धोखा तो नहीं हुआ? माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, लेकिन शर्मा जी गम तो ये है कि मैंने अपने बेटे को पाकर फिर से खो दिया। हो सकता है वो भी आपको ढूंढ रहा हो। वो ढूंढेगा तो पाया हुआ भी खो देगा। भाभी जी, रवि को काजल के बारे में पता चलेगा और काजल रवि के बारे में जानेगी। ये वक्त हमें क्या दिखा रहा है? वक्त के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए वक्त पर ही छोड़ दीजिए। अगर रवि इस शहर में है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। शर्मा जी को यहाँ से ऑफिस शिफ्ट किए हुए काफी टाइम हो गया। उनका कोई नया पता होगा आपके पास? जी मुझे मालूम नहीं। ए अबे देख के चल, गार्डन में चलता क्या? मस्का लगा के दे।
देख जा पकड़ा रहा है। चल माल निकाल माल। मैं देखता क्या? चल माल निकाल, है? निकाल। काफी गहरा है, वैसे घबराने की कोई बात नहीं, सुबह तक इनको होश आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। वैसे इनके साथ आपका रिश्ता क्या है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। नहीं, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। आप कब आए? चांद छुपने के बाद और सूरज निकलने से पहले। मेरे चांद, मेरे सूरज, इतनी देर आप कहाँ रहे, पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ सकती हैं आप। वो क्या हुआ कि मैं तो घर ही आ रहा था कि रास्ते में मैंने एकदम देखा कि एक आदमी को कुछ गुंडों ने घेर रखा है। बेचारा अकेला था तो मैं भी कुछ पड़ा उसके अंदर, यू नो, जंप टप 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 जंप करके मदद की, थोड़ी सी डिशुम बिशुम हुई और अभी अभी मैं उसको अस्पताल छोड़कर सीधा घर वापस आया। ये दूसरों की आग में कूदना कब से सीखा आपने? कौन जाने, इनमें से कोई अपना ही हो। अब कैसा है वो? बेहोश था, डॉक्टर ने कहा है सुबह तक होश आ जाएगा। वो अस्पताल में है, उसके घर वाले, किसी को कुछ खबर नहीं, बेचारा। हेलो, अब कैसी है तबीयत आपकी? आप शायद राजा हैं? जी हाँ। मैं आराम से आराम से। थैंक यू जी। आप बताइए जनाब, आपका कोई घर, कोई रिश्तेदार जिसको खबर कर दें? माँ है पर उसका पता शहर में, अजनबी हूँ। लगता है ये शहर रास नहीं आया आपको। मुझे तो जिंदगी ही रास नहीं आई। माफ कीजिएगा, मैं आपके जख्म को रेंदना नहीं चाहता था। अब तो दर्द का एहसास भी जाता रहा। मैं आपका कोई दर्द नहीं बांध सकता। आपने मेरी जिंदगी बचाई, मैं इसका एहसानमंद हूं। अब तो हर ख्वाहिश भी मर गई है, मौत भी आई तो आंख चुरा कर निकल गई। आखिर क्या चाहती है जिंदगी मुझसे? दोस्त कोई अधूरा काम है जिसे आप पूरा करने वाले हैं, सच मानिए। चलिए ये तमाशा भी देख लेते हैं।